अच्छा पहला जी कर लो जान लो हम तुम्हारे हैं सनम तुम हमें पहचान लो ओ तुमसे अच्छा कौन है दिन में दिल है दिन में तुम ही हो तुमने हमारी छोटी सी जान है तुम हो सलामत दिल तुमने हमारी दुनिया जवा है ओ मेरा नाम साक्षी है एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ जी। मेरा नाम मिलान बेनी है और मैं नागालैंड से हूँ जी। मुझे सबसे अच्छा लगा कल अभी हम लोग श्रीनगर डल लेक होकर आए हैं एंड वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था बट यहाँ का जो स्नो है गंडोला सोनमर्ग सबका हमने सुना है कि बहुत अच्छा है बट यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आता है बट आई थिंक दिस इज अ प्लेस दैट यू शुड विजिट दिस इज दी बेस्ट प्लेस जो व्यूज थे जो राइड थे एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट बिकॉज इसके बाद आप ऊपर से राइड नहीं ले सकते हो दिसंबर में दिस इज दी बेस्ट टाइम एंड लव द एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ठंड लग रही है हमारे पास ग्लव्स नहीं है कैप नहीं है आज तो बहुत वो लग रहा है अभी हम लेंगे बट इट्स वेरी गुड ये ठंड बिल्कुल वर्थ इट है कश्मीर के लिए और आपको बहुत अच्छा लग रहा है मेरा फर्स्ट टाइम विजिट हम चारों का फर्स्ट टाइम विजिट है टाइम से सब लोग जन्नत 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 बोलते रहते हैं बचपन से एंड हम लोग एक्चुअली हम लोग को ऐसा लगता था कि ओवर हाइप्ड होगा बट अब आए हैं तो पता लग रहा है कि क्यों जन्नत बोलते हैं कश्मीर तो नहीं आए मैं उनको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप कहीं पर भी जब भी कश्मीर आ रहे हैं आप एक दिन दूध पत्री का पक्का रखें आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे आपको सारी डेस्टिनेशन जितनी भी गुलमर्ग सोनमर्ग सबका अपना फन है बट दूध पत्री सबसे बेस्ट है फॉर द व्यूज फॉर फोटोज यू लव इट वेलकमिंग बहुत वार्म लोग हैं हमारी जो टैक्सी ड्राइवर थे रास्ते में उन्होंने हमें रोका उन्होंने हमें सब बताया उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर गर्म गर्म मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया जो दूध पत्री में स्पेशली बनता है एंड उन्होंने इतने प्यार से हमें खिलाया अपनी हाथों की बर्फी खिलाई एंड पीपल आर वेरी नाइस बहुत वेलकमिंग है और तो अभी आज जरा और अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही मतलब जन्नत ही लग रहा है बहुत अच्छी लग रही है बहुत खूबसूरत जगह है और मतलब बहुत एंजॉय किया और जैसी लगती है दूध की गंगा बह रही है मैं सजेस्ट करूंगी अगर कोई विंटर में प्लान कर रहा है दूध पत्री आने का तो वो प्लान करे क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब स्नो के वजह से तो एकदम मतलब खिल के आ रहा है तो या मतलब इट इज़ नाइस प्लेस सो अच्छा लग रहा है मतलब लाइक अ हेवन इट्स लाइक अ हेवन पहली बार ऐसा कुछ देखा है हमने जनरली महाराष्ट्र में ये सब मतलब हाँ मैं जब आई थी तब मैंने मेरे हमारे साथ जो ड्राइवर थे इस बार भी मैंने उनको ही कॉन्टेक्ट किया था बिकॉज ऑफ देयर सर्विस ओके तो आज जब हम फर्स्ट डे आए उन्होंने जैसे हम एयरपोर्ट से आए उन्होंने हमें उनके घर बुलाया और उनकी खातिरदारी भी बहुत अच्छी थी तो मतलब हमें अच्छा लगा कि आज मतलब इतना कुछ अभी हम लोग महाराष्ट्र जाएंगे वो यहाँ पे रहेंगे इतना कुछ कांटेक्ट नहीं रहेंगे के हिसाब से बेस्ट है हाँ।
हम असीम अग्रवाल दिल्ली से आए हैं। हम कल कश्मीर में 3 दिन से हैं और कल गुलमर्ग गए थे, बट आज हम यहाँ एक नई जगह एक्सप्लोर करी दूध पथरी। एंड सच अ अमेजिंग प्लेस, बहुत ही गुलमर्ग से बेटर है, बहुत अच्छा वेदर है और इट्स जस्ट अ हेवन इन कश्मीर। जो भी कश्मीर आ रहे हैं एक बार दूध पथरी जरूर आए। बहुत बहुत गुलमर्ग एंड पहलगाम से डिफरेंट और बहुत अच्छा व्यू, रिवर का व्यू बहुत अच्छा है, स्नो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, जरूर आए। फील हो रहा है क्लाइमेट बहुत अच्छा है, हवा जो है बहुत प्योर है, लाइक वी आर इन दिल्ली और वहाँ पे इतनी पॉल्यूशन है, यहाँ के ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए। लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव, जेन्युइन लोग हैं, हेल्पिंग नेचर है, बहुत पोलाइट। कश्मीर इज हेवन ट्रूली। हम हर साल आएंगे कश्मीर, स्विट्जरलैंड वगैरह सब फेल है, कश्मीर हेवन है। दूस विजिट प्लेस प्लीज आए। वेयर? दूध पथरी। यस, डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे। एंड गुलमर्ग एंड पहलगाम इज लाइक क्राउडेड एरिया, बट यहाँ ना तो इतना क्राउड है और बहुत ही फ्रेश एयर मिलेगी आपको, रिवर व्यू मिलेगा, स्नो मिलेगी, ग्राउंड है, सच एन अमेजिंग प्लेस।